लायंस क्लब इंटरनेशनल की रीजन कॉन्फ्रेंस विगत दिवस टीकमगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें लायंस क्लब गंज बासोदा ने भी सहभागिता की। कॉन्फ्रेंस के अतिथि रीजन चेयरपर्सन MJF लॉयन कुमार गौरव जैन, मुख्य अतिथि MJF लॉयन द्वारका जालान और अतिथि MJF लॉयन अनिल झा के आतिथ्य में सम्पन्न हुई। कॉन्फ्रेंस में जोन चेयरपर्सन लॉयन महेंद्र जैन, लॉयन आशीष सक्सेना, लॉयन रितु देवलिया, लॉयन मुदीत बंसल के कुशल नेतृत्व में लॉयंस क्लब विदिशा, विदिशा आर्या, विदिशा बैतवा, विदिशा मैत्री, विदिशा सम्राट, विदिशा प्रकाश, विदिशा संघमित्र, विदिशा अशोका टिकमगढ़, गंज बासोदा शमशाबाद सीहोर शौर्य सागर स्मार्ट, सागर झील, सागर डायमंड, सागर सांची क्लबों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पहले दिन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट नाइट का कार्यक्रम एवं दूसरे दिन रीजन कॉन्फ्रेंस वैभव 2021 सिल्वर स्टेट रिजॉर्ट में आयोजित हुई। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कुमार गौरव जैन साहब का, शरद विश्वकर्मा जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे पास चार लाइन्स क्लब थे, लाइन्स क्लब बासोदा, लाइन्स क्लब सागर डायमंड, लाइन्स क्लब सागर स्मार्ट और लाइन्स क्लब शमशाबाद। इनमें से जो कुल मिला के 71 मेंबर्स मेरे जोन में थे, जिसमें चार मेंबर्स लायंस क्लब गंज बासोदा ने जोड़े हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा लायंस क्लब गंज बासोदा को कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। लायंस क्लब सागर स्मार्ट ने 5,250 पीपल्स की एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें 22 एक्टिविटीज थी कुल मिलाकर, और सभी क्लब्स ने, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, सभी क्लब्स ने डायबिटिक हंगर और प्लांटेशंस के कार्य किए हैं। शमशाबाद ने लायंस क्लब शमशाबाद ने ऑर्थोपेडिक कैंप किया, एक डायबिटिक कैंप किया, गंज बासोदा ने दो डायबिटिक कैंप किए हैं, प्लांटेशन का काम भी किया है, और लायंस क्लब डायमंड ने डायबिटीज कैंप किया, हेल्थ चेकअप कैंप किया, लायंस क्लब सागर ने प्लांटेशन का काम किया, हेल्थ चेकअप कैंप, डायबिटीज कैंप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य किए। सभी क्लब्स के जो रिपोर्टिंग्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। दो क्लब्स की जो अगले जनवरी के बाद की रिलीज है वो बताया है, ओके हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।